राजनीति के चाणक्य, सियासी रणनीतिकार, बड़े बड़े नेताओं को जीत का फार्मूला सुझाने वाले जादूगर, जो भी कहेंगे पीके के नाम के साथ कामयाबी अपने आप जुड़ जाती है। लेकिन दूसरों के लिए सियासी रणनीति बनाने वाले पीके के मन में अब कुछ और है। प्रशांत किशोर अब दूसरों के लिए नहीं बल्कि अपने लिए रणनीति लेकर आए हैं, वो भी राजनीति की। सियासी मैदान में उन्हें कूदना चाहिए या नहीं, इसके लिए वो पांव पैदल बिहार को नापेंगे। 2 अक्टूबर से मैं स्वयं पश्चिमी चंपारण गांधी आश्रम से 3000 किलोमीटर की पदयात्रा शुरू करूंगा। राजनीति में उतरने से पहले पदयात्रा शायद उसी प्लान का हिस्सा है। वैसे पीके के मन में पदयात्रा का ये फार्मूला यूं ही नहीं आया है। कांग्रेस में उनकी दाल नहीं गली, जेडीयू में गए तो भी नेता का चोला बहुत जल्दी उतर गया, बीजेपी में भी कभी जाने की इच्छा रही लेकिन वो भी हो नहीं पाया, इसीलिए अब ये ताजा सोच है। प्रशांत किशोर बिहार के विकास के लिए नई सोच पैदा करना चाहते हैं, लेकिन उसके लिए उन्हें नीतीश और लालू के साथ साथ बीजेपी जैसे स्पीड ब्रेकर नहीं बल्कि बैरिकेड को पार करना होगा। ऐसे में अब सवाल यह है कि अपने नए प्लान में पीके कितने कामयाब हो पाएंगे, बिहार के साथ साथ राष्ट्रीय राजनीति में अपनी उपस्थिति कैसे दर्ज कराते रहेंगे। एबीपी न्यूज के स्पेशल शो प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो देंगे इन्हीं सब मुद्दों का जवाब। नमस्कार, मैं हूं सुमित अवस्थी, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है एबीपी न्यूज के इस नए और खास कार्यक्रम में जिसका नाम है प्रेस कॉन्फ्रेंस। प्रेस कॉन्फ्रेंस का नया सीजन लेकर हम आपके सामने हाजिर हैं। हर हफ्ते हम एक नई शख्सियत को लेकर आपके सामने पेश होंगे और कोशिश होगी कि वो तमाम सवाल जो आप जानना चाहते हैं वो मैं और मेरे कुछ साथी जहाँ मौजूद रहेंगे वो सवाल उस शख्सियत से पूछ सकें। तो पहला एपिसोड है, तो पहले एपिसोड में पहली बड़ी शख्सियत आनी चाहिए और जो बड़ी शख्सियत इस वक्त हमारे साथ मौजूद है वो किसी परिचय की मोहताज नहीं है। बीते कुछ महीनों से डिजिटल पे वो छाई हुई है, टीवी चैनल्स पे छाई हुई है, अखबारों में छाई हुई है, जिसका नाम है प्रशांत किशोर। स्वागत है आपका प्रशांत किशोर जी। प्रशांत जी चुनावी रणनीतिकार हैं और अब मैं ये कह सकता हूँ कि रणनीति बनाते बनाते इन्होंने अपने लिए भी एक रणनीति बना ली है क्योंकि नेता बनने जा रहे हैं। ठीक है, तो मेरा पहला सवाल आपसे है और वो ये कि क्या आपको नेता बनाते बनाते नेता बनने का शौक चढ़ गया? आप चुनाव लड़वाते थे, आप बताते थे कि ऐसी गणित है, ये समीकरण है, ऐसा आदमी खड़ा करो, वो आदमी बताओ, सब पार्टियों को आपने सलाह दे दिया, सबसे सीख लिया, सबकी कमजोरियाँ पता कर ली, अब मैं जाता हूँ, मैं नेता बनता हूँ। नहीं जी, देखिए पहली बात तो ये है कि नेता तो समाज और लोग ही बनाते हैं, कोई किसी को, हम जैसे व्यक्ति तो किसी को नेता बिल्कुल ही नहीं बना सकते हैं। ये तो बिल्कुल हाईली ओवररेटेड बात है कि हम लोग किसी को नेता बनाते हैं। जब नेता बने हुए हैं, पार्टियां बनी हुई हैं, वो उनका एक प्रयास है, लोग उनको जिताते हराते हैं, हम लोग उसमें कहीं जो कुछ अवसर पर उनके भागीदार हो सकते हैं। ऑन द मार्जिन वी कैन कंट्रीब्यूट समथिंग इन फॉर्म ऑफ देम बीइंग अ बिट मोर ऑर्गेनाइज, देम बीइंग अ बिट मोर एफिशिएंट इन देयर एफर्ट। जहाँ तक मेरे अपने जर्नी का सवाल है तो जैसा मैंने बंगाल और तमिलनाडु के चुनावों के परिणाम आने के दिन 2 मई 2021 को बताया था कि मैं अब वो काम 10 साल वो काम करने के बाद उस चीज़ से अपने आप को मुक्त कर रहा हूँ, आगे वो काम उस फॉर्म में नहीं करूँगा। फिर 1 साल का समय अपने लिए मैंने लिया ये सोचने के लिए कि आगे मुझे क्या करना चाहिए और अंततः सारे सलाह मशवरे सोच विचार के बाद ये तय किया है कि अपने राज्य बिहार में जाकर वहाँ पर एक प्रयास करें। उसी के तहत आप देख रहे हैं कि जो मैंने घोषणाएं करी हैं पिछले 2-3 दिनों में कि वहाँ जाना है और जनता से जाकर बातचीत संवाद स्थापित करना है और उनसे बात करके तय करेंगे कि आगे का रास्ता क्या होगा। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।